हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। फिलहाल दोस्तों घर में काम चल रहा है, आप देख ही रहे हो। ये पूरा गेट वेट तोड़वा के ऊंचा करवाया है क्योंकि ये नीचा रह गया था थोड़ा सा, और ये खुला हुआ है, यहाँ लिंटर नहीं था पूरा। तो यहाँ एक कमरे के लिए लिंटर बनवा रहे हैं ताकि एक कमरा बन जाए, सेफ हो जाए। तो ये जो ठट्टर वट्टर जो आपने देखा था पहले लगा था, ये सब ये हटवा देंगे, एक कमरे का लिंटर बन जाएगा। काम चल ही रहा है पूरा, और बेटू का मुंडन भी चल रहा है, बेटू का मुंडन हो रहा है। बेटू सोते सोते मुंडन करवा रहा है अपना, फूफा की गोद में बैठा हुआ। ये सोने में मगन है और मुंडन हो रहा है इनका सोते सोते। पता ही ना लगा कितने मुंडन करा, पता भी नहीं चलेगा मुंडन कितने करा। बड़ा हो जाएगा तो बताएंगे, देख भाई इनने तेरा ताऊ ने मुंडन करा तेरा। वीडियो दिखाएंगे फिर तुझे, देख तेरा मुंडन हुआ बेटा सोते सोते। और ये सब देखो दोस्तों, मसाला फैला पड़ा है, सब माल सब फैला हुआ है, सब काम चल रहा है पूरा। पहले टीन डलवानी थी दोस्तों, पर अब जब वापस करके आऊँगा देखो कर ले वापस, क्योंकि टीन महंगी पड़ रही है। टीन से अच्छा है लिंटर डलवा लो तो वो ठीक है, क्योंकि सब ने राय दी कि टीन से अच्छा है लिंटर डलवाओ, लिंटर में फ़ायदा है। तो दोस्तों ये सब ऊपर लगे हुए हैं कारीगर, सब काम में लगे हैं लेबर, और ये बॉस को परेशान घूम रहा है देखो, पूरा बेचैन है उसे। काम चल रहा है तो हो रहा है कि पता नहीं क्या करने में लगे हैं, बड़ा परेशान है बॉस को भी। वो कैसे आएगा ना, मसाला वसाला गिरेगा उसे, तो खूब मजे आते हैं ये पुताई में और ये मसाले में लिपटने में। क्यों रे बॉस को, ये सब झाड़ी वाड़ी सब साफ करवाइए, देखिए ये सब बरसात में इतना बुरा हाल कर दिया चूहों ने दोस्तों। देखो पूरे भट्टे बना दिए चूहों ने पूरे के पूरे। सो गाइस देख रहे हो आप मकान की हालत कैसी हो रही है इस टाइम, सब टूटा फूटा पड़ा है, सब ऐसे हो रहा है। ये छत देखो, ये पूरा लिंटर जो है दोस्तों कटवा दिया है आधा, मतलब ये छज्जा निकला हुआ था 3 फीट का, जो आधा कटवा दिया है ताकि इसके ऊपर जो है लिंटर आएगा, नया लिंटर जो आएगा दोस्तों, वो दीवार आपने देखी है खड़ी हुई है, इसके ऊपर लेंगे ताकि एक कमरा छोटा सा सेफ बन जाएगा। और इतने से काम में दोस्तों काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, काफ़ी लागत आ रही है इतने से काम में। ये मलबा देख रहे हो आप, सब पड़ा हुआ है, पूरा मलबा पड़ा है ये पूरा सब। ये मलबा तो खैर इसमें काम आ जाएगा दोस्तों, जो भराव पड़ेगा ना उसमें काम आ जाएगा। तो इस मलबे को तो यहाँ से हटाना नहीं है, बाकी ऊपर का देखो जाल पूरा है। अभी ये सब सरिये कटनी है, लेबर इतनी धीरे काम कर रही है, ठेका दिया है जबकि तब भी आज तीसरा दिन है और 3 दिन में काम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन तो इन्हें दीवारें खड़ी करने में लग गया सिर्फ, ये सिर्फ 4 फीट दीवार खड़ी करने में 2 दिन लगा दिए इन लोगों ने, पर ठेके का काम है, करेंगे अपने आप जैसे भी करेंगे। और मैं आपको और ये देखो दोस्तों पूरा इस तरीके से बन गया है, और ये जो बीच में आप देख रहे हो दोस्तों ये है भंडरिया। इस भंडरिया है ये इतनी बड़ी है कि इसमें आराम से जो भी सामान चाहो वो आ जाएगा, सब रख लो इसमें। और यहाँ से दीवार खड़ी हो जाएगी, कैसा बनेगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब बन जाएगा पूरा। फिलहाल ये आप देखो यहाँ से इस तरीके से इस लिंटर जो है, छज्जा 3 फिट का निकला हुआ था, ये कटवाया है तो ये कल से कट रहा है, पर अभी तक कट नहीं पाया है। इतना स्लो प्रोसेस है इन लोगों का कि ये कल से अभी तक कट नहीं पाया है। और थोड़ा सा बाहर भी दोस्तों गेट के प्लास्टर फरस कराना था, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा फरस जो है यहाँ से करवाना है। बाहर ये टैंक है अपना, यहाँ का ये काम आपको मैंने दिखाया पिछली वीडियो में, कितना झाड़ी और जंगल रहता था, और ये सब ऐसे पड़ा हुआ है अभी, ये सब तोड़ फोड़ बच हुई है। मतलब पैसे को देखते हुए काम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बजट नहीं है, जिस हिसाब से बजट है अभी उस हिसाब से काम वाम चल रहा है सारा। ये देखो दोस्तों पूरा बाहर ये सब काम फैला पड़ा है, सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, देख रहे हो। ये बॉस्को का फोल्डिंग पलंग है दोस्तों, ये बॉस्को का पलंग है, ये दोबारा से बुना जाएगा, पेंट वेंट हो के दोबारा से सही हो के तब बुनेगा जी, तब बढ़िया होगा फर्स्ट क्लास। सब लेबर बाहर बैठी हुई है इस टाइम, सबके सब बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं। सो गाइस काम खत्म हो गया, शाम हो गई, रात हो रही है। लेबर ढीलेपन से काम कर रही थी तो उसे हटा दिया और मना कर दिया, कल से दूसरी लेबर बुलाएंगे, ठेका देंगे किसी और को, क्योंकि ये ठेकेदार जो था दोस्तों ना तो पैसा रोज चाहिए उसे, पर ठेका में काम नहीं करना कुछ भी।
तो इसलिए आज मना कर दिया। 3 दिन देख लिए करा के, बेकार लगा काम। और ये आप देख रहे हो विंडो के बैक साइड में सब ऐसे टूटा पड़ा है, सब फैला पड़ा है काम वाम। और पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि पानी सब भरा हुआ है, पानी में नहाना धोना भी नहीं, सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कल से देंगे किसी और को ठेका, बुलाया है। और ये अभी खड़ा है, और ये स्कूल गया था, इन्हें स्कूल में क्या सीखा इसे पता ही नहीं है। क्या सीखा स्कूल में? ABCD। इन्हें ABCD स्कूल में सीखी है। तो फिलहाल दोस्तों आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और कल जो लेबर आएगी देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या ठेकेदार कितना बोलता है, तो कल का देखते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों, और सब अपना ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो हर ब्लॉग आप देखते रहो हमारा, और आप हमसे जुड़े रहो।